आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हो रही है। कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र धीमरी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र धीमरी ने कहा कि कल जो केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है, आने वाले समय में देश के युवा देश की सेवा में अग्निवीर बनेंगे। ये योजना बहुत अच्छी और बेहद ही बड़ी योजना है और ये योजना देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां सेंट्रल कमांड की तरफ से अग्नि योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हम नॉर्मल रिक्रूटमेंट जैसे चल रहा था, और जो नेक्स्ट ईयर का रिक्रूटमेंट है वो क्वालिफाइड लोगों को भी लेंगे। आईटीआई स्किल डेवलपमेंट, जो देश का एक स्किल डेवलपमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है, बढ़िया चल रहा है, उसमें से जो ट्रेन बंदे हैं वो ट्रेन बंदों को लेंगे, जिससे वो ट्रेन बंदे हमारे पास आके वही काम करें सोल्जरिंग के अलावा, और उसके बाद जब वो बाहर जाए तो उनकी जो स्किल है, एक तो उन्होंने सीखी थी आईटीआई में और उसके बाद उन्होंने उसको ऑन दी जॉब फौज में किया, जब बाहर जाएंगे एक बहुत ही ट्रेंड और सिंसियर सिटीजन की तरह बाहर जाएंगे, जिससे उनको आगे काम करने में बहुत फायदा होगा। उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे एक पुश मिलेगा, और जिससे उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी भी कर सकते हैं, पर ऐसे लोग जिनको जो स्किल वाले हैं, जिनमें अपना जज्बा है, वो अपनी अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम पहली रैली अग्निवीर की आज से 90 दिन के अंदर प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, और जो पहली बैच जो ट्रेन होएगा वो अगले साल के 1 जनवरी से स्टार्ट होएगा ट्रेन। उसके बीच में ये सब रिक्रूटमेंट और ये सब खत्म होएंगी, और पहला बैच जो पास आउट होगा वो अगले साल जुलाई जून जुलाई में पास आउट होगा, और तब से अग्निवीर स्कीम रोल आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीक, ये था अग्निवीर स्कीम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसका मेथड और इसका एडवांटेज और इसको किस तरीके से रोल आउट करें। मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन खत्म होता है, अब आपके जो सवाल है आप जो सिस्टम से आप एक एक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आपकी अनुमति से प्रश्नोत्तर की क्रिया हम शुरू करें। आप लोग अपना प्लेकार्ड उठाइएगा, या फिर अगर किसी के पास प्लेकार्ड नहीं है तो मैं आपका नाम बोले जाने पर अपना प्रश्न करिएगा। प्रश्न करने से पहले अपना नाम और अपने मीडिया हाउस का नाम कृपया आप बताएं। colleges. Now, you say that you will provide skill, set of skills. How would they, how MOD is going to rehabilitate these kind of people who have no graduation degree? Second question, by 2026, the first batch is going to, by 75% of the Agnivirs would be retired. That means every Agnivir would be given 11.71 lakh package. That means you will spend 50 crore rupees. How is that you are saving the money? And the last question, would Agnivir be allowed to marry after the enrollment? If yes, would any kind of benefits to be extended to the spouse? In case, if not, then would any benefit to be extended to parent during the service? Thank you. Thank you for the question and to many of them. Not to worry. As we brought up that the person who's coming to us is a class 10 pass or class 12 pass. There's no change so far as the entry age is concerned, from 17 and a half to 21. Now, while he is with us,
he gets trained for an initial period as a soldier, and thereafter, while he's on the job, he gets trained on the job for whatever he's found best suited for. I mean, it could be as simple as holding a weapon, but weapons today, you know, are not the weapons of yore. With his entire kit comes a whole lot of technologically suited stuff for today's battle. So he's going to be much empowered in handling all such weapons and gadgetry. That's one. Number two, on the job also, there are a certain set of tasks that a person performs where certain application is required. This could be in the field, this could be in the peace. We expect that by the time this person is leaving us, he's empowered himself with the basic core values, with the basic skill sets on which he was put, and he carries with him an ethos of these core values, of a disciplined lifestyle, and goes to merge in the society. Now, when he's going out, as was brought up in the presentation, we have a Seva Nidhi package, that's what the Sikarans package is being called. And that's amounting to 11.71 lakhs. He has an option to take this money with him, going for higher education if he wants to pursue that, set up an enterprise if he wants to do that. That's his. I mean, of course, he remembers that out of this, 5 lakhs is the contribution by the government. Alternatively, he could even put it back as a fixed deposit and take up loans to set up a better enterprise. That's two. You'll all be in picture that most of the queries that have been coming to us pertain to the uncertainty of how he's going to merge into the society. Beyond the values he's going to imbibe with us, beyond the severance package, you would have heard since yesterday, ever since the scheme was rolled out, there have been a whole spate of people who are making a rush already for these ugly wheels. People want them. The first I read yesterday was the Chief Minister of Uttarakhand, who says, look, the moment these ugly wheels come out, I'm going to give them a priority in selection for the police forces. This morning, our Honorable Chief Minister from Uttar Pradesh has also said the same thing. Not just for the police forces, but such other employment as would be necessary, as would be applicable to them, they are going to be given a priority. So there are already people who want such disciplined people who are coming out from the armed forces with them. I mean, none less than the Home Minister this morning has said the same thing. And they are now into seriously thinking of a scheme how to absorb all our well-trained people who are coming out into the police forces, the paramilitary, the Assam Rifles, wherever they be. I heard a whole lot of business houses, industrialists talking yesterday. I mean, they're looking at a mad rush to pick up these people. So while all this is a work in progress, but I'm looking at it very positively. I mean, it's a win-win situation, both for the armed forces. We are going to have a very youthful profile, worth taking the risks that come at their age. And there is what we give back to the society, whether for nation building or for national integration, is a better situation for people outside. Thank you. Can I ask? Yeah, Sharmila. This is Sharmila Krishna from the Pioneer newspaper, Lucknow. I just wanted to ask you one thing. Basically, your aim is that Agniveer, you have a lot of youth coming in who have this kind of a patriotic feeling and, you know, that risk-taking ability. But mind you, your recruitment process, there are already several youth who want to join in, but your recruitment process is so stringent that many of them fail over there. So you're launching another scheme and you're keeping the same recruitment checking ability when the fact is that there are several who really want to join in but fail at your recruitment stage. So that is something which you're going to face again. Number one. Number two is that 17 and 21 years of age, the mindset is to have something very permanent. They're not thinking in terms of 4.5 years. They're not thinking in terms of patriotism. They're thinking in terms of their own job.
So after 4.5 years, that 25% go above who want to go permanently. So that is one point that will answer the thing. If they know that all of them will be recruited in the army, that would be an easier factor. And most of them will not opt, because this 4.5 years and then you only 25% go in. That is my second question. How do you tackle that mindset of the youngsters? Mm-hmm. Thank you for the question, ma'am, mm-hmm. and nice answer that. While you may be believing that because there is a disparity in the amount of people who want to come in and the stringent standards that we have, it may not get the right people in, but I don't think I hold that. For one, even today, I'll come to that. Even today, at each of our recruitment rallies, please go and visit the sites. There are so many, many people who want exactly. to join. Sorry, I'm interrupting you. Yeah. That's exactly what I'm asking. They're so keen to join, but they get cut off because of your stringent recruitment. Ma'am, I think we have a limited amount of time, okay. So after your question, I'm coming to that and I'll answer you. For one, let's be very clear. There will be no dilution in standards. This is your army. And your army is there for you. We are not going to dilute any standards. But we know that if, let's say, there are an X number of people wanting to come in today, and we have space for, let's say, X by 2, tomorrow we are expecting a 4X people. There are more people. And I'm being a little selfish here. I'm getting a wider pool to choose from for those same standards. But just remember, the opportunities for a larger pool abounds now, because there are going to be more and more people coming in with just 4 years of service. I mean, why should the demographic dividend which is available to the country should not be available to the armed forces? I want to be partaking in the same pool. And let me also choose the best for my system. And I can assure you, after they join us, we're going to give you a rich pool back. And it's going to be really rich, like at least I tend to believe that. And so say so many others. Right. Your second part of the question, ma'am, could you repeat that? I just said, do they have a mindset of a... Yes, okay. So, the people do have a mindset. Whether they should they go in for stability or should they go in for salary. We got a huge numbers here. You know we are adding nearly 1.4 crores time again each year. I mean, during this period, up till 2015, there's nearly 18 crore people in this age who want to join this workforce. So there's no dearth of people. So far as stability is concerned, we are ensuring as much stability as possible through his empowerment, through a severance package, and making sure that, look, we are working with the people who can absorb him later. There are calls coming to us that, look, these are the kind of people we want, right? So he can be a little sure of stability, whether inside the system or outside. We're working towards that. And I said it's a work in progress, and we're already hearing people to respond very positively to this. Thank you. It's quite heartening to see that there are such in-depth questions coming, but if I could just request everyone to keep their questions brief, and so that we can move along, because there are a lot of people with questions, so I think it will help us move along with the process. Yeah, number one. सर मैं निशांत यादव हूँ गांधी नगर से। मेरा पहला सवाल है कि जो 90 दिनों में हम लोग बीजेपी धरती पर शुरू कर रहे हैं यूपी अपना खंड का क्या रोल बनाया था और शुरू करेंगे और दूसरा एक सवाल थोड़ा मैंने लिया हुआ इंटरनेट मीडिया का काफ़ी चल रहा था कि दो बच्चों को 2021 में दौड़ और मीटर निकाल दिया और रेडी फॉर डिस्पैच उनका फ्यूचर क्या होगा इस स्कीम के धन्यवाद निशांत थैंक यू दूसरा सवाल पहले जैसे ही बताया गया ये निश्चय किया गया है कि अब से जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के तहत इसमें कोई दो राय नहीं तो इसके बाद जो भी भर्ती होनी है कोई भी युवा है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करेगा और इस स्कीम के थ्रू हमारे पास अंदर आएगा ये तो निश्चय कर दिया इसमें कोई दो राय नहीं आपका पहला सवाल था यूपी उत्तराखंड के सो 90 दिन के अंदर रैलियां शुरू होंगी
आई मीन इनफैक्ट आपने अपनी उंगली ठीक मेरी सबसे पहले चुनौती पर रखी, क्योंकि आज तक हम एक साल के अंदर जितनी भी भर्ती के लिए रैलियां चलाते थे, अब क्योंकि हमें ये जल्दी करना पड़ेगा, इसीलिए हमारे जितने भी रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, KROs हैं, उन सब को ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। पहले 6 महीने में जरूर हमको जो चैलेंज आएंगी उनको हम फेस करने के लिए तैयार हैं, इसके बाद हम और बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम भी धीरे धीरे ऑटोमेट होता जाएगा। आपका स्पेसिफिक सवाल कि यूपी और उत्तराखंड में क्या होगा, हाँ जी, तकरीबन मैं देखता हूँ लेट अगस्त या सितंबर में तकरीबन उत्तराखंड की साइड और थोड़ा वेस्ट यूपी की साइड हम अपनी रैलियाँ जरूर लेकर आएंगे, मेरठ, आगरा और तकरीबन उन जिलों की तरफ, और अक्टूबर और अर्ली नवंबर के टाइम पर हम इधर वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और इस साइड पर अपनी रैलियाँ शुरू करेंगे। अभी तक का प्लान ये है, अब इसमें छोटे मोटे बदलाव होंगे, वो जब हम डिटेल में जाएंगे, स्कीम तो कल ही अनाउंस हुई आपकी, इस प्रकार से हमने अपनी परिकर। थैंक यू। 45 आप अपना नाम और संगीत क्या उस पर एक बार मैं सर, मेरा नाम शेखा पंडित है, मैं लोक संसद से अखबार से हूँ। एक युवा 17.5 साल में उसका उज्ज्वल भविष्य तब शुरू होता है, और एक युवा बहुत की स्थिति रहती है कि रिटायरमेंट 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, क्या इसकी कोई काउंसलिंग सेना करेगी, या वो वापस आकर उसको एक फिर एक नया संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। सही सवाल है, और इसके बारे में भी हमने सोचा था। 4 साल के अंदर मेरे ख्याल से जब वो हमारे साथ है तो हम उसको जरूर इस तरह भी तैयार कर लेंगे कि हाँ 4 साल के बाद आपको वापस जाना है। इनफैक्ट जाना तो सबको है, पूरे 100% को, क्योंकि यही 100% लोग जो वापस जाएंगे, हमारा उनके लिए एक मेरिट बना दिया गया होगा, हमारा मॉनिटरिंग एंड स्क्रीनिंग सिलेक्शन स्कीम है। उसके बाद जो लोग वॉलेंटियर करना चाहते हैं और पहले 25% में हैं, उनको हम जरूर वापस ले लेंगे एज अ सेपरेट स्कीम, एज अ एनरोल्ड सोल्जर, राइट। तो जाने के लिए तो सभी लोग तैयार रहेंगे, मन की तरफ से ये तैयारी रहेगी, बाकी जो उनको निधि और बाकी पैकेज दिया गया है उसके बारे में बताया। पर दूसरी बात मैंने कल और अच्छी सुनी, जब किसी से पूछा गया कि ये बाहर आके आप इनको लेने के इच्छुक हैं, आप इनको अब्सॉर्ब कैसे करेंगे, बोलेंगे, कहा गया कि बेसिक डिसिप्लिन और काम करने की जो क्षमता रखता है और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, और हम उनकी समझ में उनको अगले काम के लिए ट्रेन करने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा, ये भी कहा गया। मेरा मानना है कि लोग इस दिशा में भी सोच रहे हैं और भला ही होगा। धन्यवाद। नंबर 28 असल, मेरा नाम आदर्श सिंह है, मैं टाइम्स का नवभारत से हूँ, और मेरा सवाल इन्हीं से मिलता जुलता है कि जैसे जो एज 21 मान लीजिए, अगर हम लास्ट एज पे किसी को रिक्रूट करते हैं और 4 साल की एज तक वो 25 साल का हो जाएगा, इस बीच ही ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है ग्रेजुएशन करने का, तो क्या जैसे सवाल लोगों ने पूछा कि क्या इस दौरान आप लोग जैसे 10वीं के बाद 12वीं में इनरोल करने के लिए उनको प्रस्तुति करते हैं, ये क्या ये ग्रेजुएशन के लिए भी आप लोग का कोई रोडमैप है, कोई प्लान है कि इनकी अगर वो 4 साल आपके सर्विस में रहते हैं, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग या पढ़ाई की जाए, तो 25 साल की उम्र में निकले तो 1x1 एग्जाम दे के ग्रेजुएट हो सके, क्योंकि 25 साल में निकलने के बाद अगर वो 3 साल वापस ग्रेजुएशन में लगाते हैं, तो उनकी एज जो है वो नॉर्मल जो कैंडिडेट होंगे ग्रेजुएशन की उससे ज़्यादा हो जाएगी। सही सवाल, और इस विषय पे भी विचार किया गया था। ये भी आपको जनरल कश्यप ने बताया था कि हम 10वीं पास लड़का लेते हैं, वो हमारे साथ 4 साल रहता है, जब वो हमारे से जाएगा वापस तो हम उसको 12वीं पास को करा के भेजेंगे उसका सर्टिफिकेट। आज भी अगर आपको मालूम हो कि 1986 का एक गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जो हमारे साथ जवान 15 साल नौकरी करता है उसको बाहर नौकरी लेने के लिए ग्रेजुएट का इक्विवेलेंट माना जाता है, ये आज भी पॉलिसी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए 10वीं का जो लड़का हमारे पास आएगा, जब वो जाएगा 4 साल बाद, तो उसको 12वीं के बराबर माना जाएगा और ग्रेजुएशन में आगे हिस्सा लेने के लिए उसके बराबर रखा। थैंक यू। आ रहे हैं आपके पास जी, मैं राघवंत प्रताप सिंह, इंडियन।
मेरा सवाल ये सर कि जो 75% अभ्यर्थी होंगे जो 4 साल की ट्रेनिंग ले चुके होंगे वो जब अन्य फील्ड सिविल के तरफ जुड़ेंगे तो सरकार का कोई इंटरफेरेंस होगा या वो पूर्णतः स्वतंत्र होंगे अपना काम करने के लिए? सरकार की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मैंने बताया कि जब आप जा रहे हैं 75% आपको एक राशि रखी गई है कि आपके भाई 11.7 लाख रुपीज़ आपके हैं, आप इसको अपने आप लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए, आप इसको रखकर और बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, इसके आगे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो स्वतंत्र है। माइक अब्दुल सत्तार फ्रॉम हिंदुस्तान एक्सप्रेस। आई वांट टू नो अबाउट द थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर। ऑल्सो थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर हैव कॉन्स्टिट्यूटेड राइट, बट आई वांट टू नो अबाउट दैट दिस अपॉर्चुनिटी हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर। इफ हैव इज क्लियर देन नो टू वाइस। अभी तक थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के ऊपर हमने ये विचार नहीं किया। जैसा कि आपको बताया था, इस समय पर हमने केवल फौज में जहाँ जहाँ पर महिलाओं को लिया जा रहा है केवल उस जगह पर उनको रिक्रूट करने के लिए सोचा है। ये है फौज में, आप जानते हैं एट द रिक्रूटमेंट लेवल कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा नेवी और एयरफोर्स में अलग अलग जगह पर स्पेसिफिक टास्क के लिए महिलाओं को भी लिया जाता है और वो उनको लिया जाएगा। और दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसा आपको बताया, इससे और ज़्यादा महिलाओं लेने के लिए भी आगे सोच विचार किया जाएगा और ज़्यादा इसमें आएगा। सो फार वी आर कंसर्न विद जेंडर न्यूट्रल, पर हाँ थर्ड पार्टी थर्ड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। थैंक यू। नंबर 44 वी जस्ट टेक 3 क्वेश्चंस आफ्टर दिस। सो नंबर 44 आप पूछा। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज जनरल मिश्रा फ्रॉम क्लास इंडिया। द आवर वाज देयर इज अ स्पेशल कोर द एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। Is there a special provision for National Cadet Corps cadets in this scheme? There is no special provision, but I can assure you, anybody who is going into NCC already has an edge to come inside. And we are looking after NCC also, you know that. Number 48. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे है, भारत समाचार टीवी चैनल से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक इतनी बड़ी संख्या में आप युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे लेकिन 4 साल बाद उनको रिलीज कर देंगे। आपके बेहद कोर एरियाज में, बहुत कॉन्फिडेंशियल एरियाज में वो काम करेंगे और उनको 75% लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो क्या इस बात पे इंश्योर किया जाएगा कि वो जिस क्षेत्र में गुजर के आए हैं 4 साल में, वो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो उनको इंश्योर करेंगे जो जानकारियाँ हैं, जो कॉन्फिडेंशियल एरियाज हैं सेना के, उसको सुरक्षित रखा जाए, इस पर कुछ काम किया जाएगा? ये सोच आई भी थी, पर उसके बाद जब किसी से सवाल किया तो वो बोला भाई आज के दिन भी तो कम से कम 1 लाख युवा फौज छोड़ के जा रहे हैं 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो क्या हम कुछ दूसरा सोचते हैं उनके बारे में? उल्टा मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये एक नई स्कीम है जिसमें हम हर एक अग्निवीर को उसका डिटेल्स अगर हमारे पास होगा, क्योंकि हमने उनकी फाइनल ट्रांसपेरेंट एक मेरिट लिस्ट वगैरह बनानी है, सारे डिटेल हमारे पास होंगे, तो हमारी हर एक पे निगरान होगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं हमारी। नंबर 2 इससे जूझ रहे हैं और पिछले 4-5 महीने में तो हर एक चीज़ पे सोच विचार करके और तभी कभी डेवलपमेंट के साथ सामने आए हैं। इसको हमने फाइनली 4 साल पर ही पैक किया है एंड अभी तक
मेरे ख्याल से ये 4 साल से आगे नहीं बढ़ेगा। काफ़ी सारे वजह हैं, मुझे तो नहीं ऐसे लाना पाऊँगा, बट हाँ मानते हैं कि अगर लड़का जल्दी निकले तो उसे बाहर एसिमिलेट होने में, उसे वापस जाके सेटअप होने में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो जितना लेट होगा पहुँचने उतना ही बाहर एसिमिलेशन में प्रॉब्लम भी आती है, वो एक बात। दूसरा, कितना सही पीरियड है जो हमारे साथ रह सके, इसके ऊपर भी विचार किया गया। किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 5, फाइनली हमको 4 साल ऐसा लगा कि जिस तरह हमारी मूवमेंट होती है, जिस तरह हमें ट्रेनिंग का टाइम मिलता है और हम क्या क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो 4 साल का पीरियड बिल्कुल सही पाया गया है। और 4 साल से इसको बढ़ाने का कोई ऐसा वो नहीं है। एक मौका आ सकता है हमारे पास। मान लीजिए अगर राष्ट्रहित में कोई ऐसा ऑपरेशन हो गया, कुछ हो, तब उसके लिए हमारे पास लीवे है। अब ये लीवे तो हमारे पास आज भी था कि मान लीजिए कहीं पर लड़ाई लगी थी, कारगिल की लड़ाई लगी थी, तो क्या हमने अपने अकेडमी से एक ही 700 को कमीशन करके बाहर नहीं ले गए थे? ले गए थे ना। तो ऐसे अगर मौके आएंगे तो उसके पास हमारे पास काफ़ी स्कोप। धन्यवाद। एंड इसके बाद आखिरी सवाल रहेगा। सर, मेरा नाम अमित मोहन है, आर्मी फैसिलिटी को लेकर के सवाल है कि आर्मी की टाइम पर हमको जो आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, सिर्फ 4 साल मिलेगी या इसके बाद भी मिलेगी? सेकंड, प्रोफेसर साहब ने बताया कि आर्मी भी बायोडाटा में मेंशन होगा, इसका आगे यूज़ क्या होगा? क्या शीर्ष अधिकारियों की सेना के सरकार से कोई बात हुई कि वो अगर UPSC का एग्ज़ाम देना चाहें, UP पुलिस या किसी स्टेट की पुलिस में देना जाना चाहें, तो कोई फैसिलिटी उनको मिलेगी? हाँ जी, तो दूसरा सवाल पहले कि जो अग्निवीर हमारे साथ रहेगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स में अभी यही बातचीत चल रही है कि उनको किस तरह प्राथमिकता दी जाएगी अब्सॉर्ब करने के लिए, और कुछ एक जो चीज़ मैंने पिछले 24-36 घंटे में सुना है वो मैंने कुछ स्टेट्स में होम मिनिस्ट्री से और एक जगह से इंडस्ट्री से सुना है, वो मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो हाँ, उनको प्राथमिकता तो रहेगी। आपकी दूसरी बात थी कि क्या उनको ये फैसिलिटी मेंटेन रहेगी? नहीं, ये 4 साल की स्कीम है जिसमें कि ये 4 साल के लिए लड़के अग्निवीर कहलाएंगे और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस हमने दी हैं उसके तहत काम करेंगे। इसमें एक सर्विसमैन स्टेटस कोई नहीं रहेगा, कैंटीन फैसिलिटी 4 साल बाद कोई नहीं रहेगी, और आप देखेंगे कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि धीरे धीरे अभी आपके सामने ये स्कीम आई है, हम इससे जूझ रहे हैं आज नहीं। आप मानेंगे नहीं, मैं 2050 के टाइम फ्रेम पर इस स्कीम से जूझ रहा हूँ। 2040 में हमारी हम कहाँ पर हैं, 2030 में हम कहाँ पर हैं, खैर वो हमारे विचार करने के लिए है, वो हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी फैसिलिटीज 4 साल के बाद नहीं रहेंगी। धन्यवाद। नंबर 28 एंड वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दिस। सर, मैं राजन सिंह हूँ, JK24 न्यूज़ से। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ सर अलग अलग तरह से एंट्रियाँ होती है, OTA, CDS और NDA और GD और SAT क्लर्क, इनके सबकी एज की क्राइटेरिया जो है अलग अलग है, तो क्या ये अग्निपथ में ये सारी एज एक सेम रहेगी या फिर वो? आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, MX प्लेयर के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। धर्म, सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम हैं सच साहस और सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।
राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांव पे, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।